हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा टू कलर का बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बेबी स्वेटर बना है, फुल बाजू है। आज की वीडियो में मैं इसका पार्ट चार बनाना बताऊंगी। पार्ट चार में हम इसकी बाजू बनाएंगे, बाजू में कितने फंदे लें, कैसे डिजाइन एडजस्ट करें, कितने लेंथ पर इसकी मुड्ढे की घटाई करें, इस तरह से हम इसकी बाजू बनाना आज के पार्ट चार में बनाना आपको बताएंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए इसके बाजू बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करेंगे। तो इस स्वेटर का ये पार्ट नंबर चार है। तीन पार्ट मैंने इसके पहले से अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर उन पार्ट को देख सकते हैं। सभी पार्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका बैक पार्ट बनाना, डिजाइन डालना, मुड्ढे की घटाई कितनी लेंथ रखे, ये मैंने बताया था। और सेकंड पार्ट में मैंने इसके फ्रंट पार्ट में बैक के हिसाब से फ्रंट पे कितने फंदे ले, बटन पट्टी कैसे बनाए, बटन होल कैसे बनाए, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करें, ये मैंने सेकेंड पार्ट में बनाना बताया था। और थर्ड पार्ट में मैंने इसके गले की घटाई, आर्म होल की घटाई और कंधे जोड़ना, ये मैंने बताया था। आज है इसका पार्ट नंबर चार। पार्ट चार में हम इस स्वेटर की बाजू बनाएंगे। तो इसकी एक बाजू को मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ है, देखिए इस तरह से। बहुत ही प्यारा सा ये बेबी स्वेटर टू कलर में बन के आएगा। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में डिजाइन उतना ही आसान है। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए, ये बाजू मैंने बुनी है। बाजू के अंदर देखिए, मैं आपको इसका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसके 35 फंदे डाले हैं, 35 फंदे डाल के मैंने ये यहाँ पर 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। छह लाइनें हमारी सीधी तरफ से आई हैं उल्टी उल्टी, और छह लाइनें हमारी बैक साइड से आई हैं उल्टी उल्टी। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी लाइनें बनाते हुए टोटल 12 सिलाई मैंने बनाई है और 35 फंदे डाले हैं। फिर मैंने यहाँ पर इस डिजाइन को डाला है। सेकंड कलर मैंने वाइट लगा के डिजाइन की चार सिलाइयाँ बुन ली हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया है, एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया है, फिर से एक डिजाइन बुना है, फिर से एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया है, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया है। जितने ये हमारे ये कलर लगा है, जब हमारा ये बेस कलर, इस कलर के अंदर हम फंदे बढ़ाते गए, ऐसे एक एक फंदा बढ़ाते गए, तो ये हमारे टोटल 10 डिजाइन डले हुए हैं। और ये ऊपर मैंने सिलाइयाँ डाली हैं इसकी, इतना मैंने ये ऊपर बनाया है। तो टोटल मेरे यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने 13 फंदे एक साइड में बढ़ाए हैं और 13 फंदे मैंने एक साइड में बढ़ाए हैं। 35 फंदे मैंने डाल लेते हैं, 26 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। तो टोटल देखिए, अब मैं ये दूसरी बाजू मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये भी मैंने इस तरह से बना के कंप्लीट की है। इतनी लेंथ मैंने इसकी बना ली है, 10 डिजाइन डाले हैं। ऊपर मैंने ये सिलाइयाँ देखिए, काउंट करके मैं आपको बता देती हूँ ऊपर कितनी बनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाइयाँ हमारी ये ऊपर बनी हैं, 8 से 9 सिलाइयाँ हैं। अब हम इसकी आर्म होल की घटाई करेंगे, बाजू की घटाई करेंगे। तो टोटल अब हमारे पास ये 61 फंदे हैं। 35 फंदे डाले थे, 26 फंदे हमारे दोनों तरफ से बढ़ गए हैं। 13 फंदे एक साइड से बढ़े हैं यहाँ से, और 13 फंदे यहाँ से बढ़े हैं। फिर देखिए, जैसे इस बाजू में मैंने कटिंग की है, यहाँ पर इसी तरह से इसमें हम कटिंग करेंगे। पहले कटिंग 3 की करेंगे, फिर से 3 की करेंगे, फिर 2 की, फिर से 2 की, फिर से 2 की, फिर से 1 की, फिर से 1 की। तो इस तरह से हम 2 बार 3 3 की, 3 बार 2 2 की और 3 बार 1 1 की, इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग मैं आपको यहाँ पे इस बाजू में बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान वे में ये स्वेटर मैंने स्टेप बाय स्टेप बुना है। तो देखिए, अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे आर्म होल की। तो 3 फंदे की करेंगे, 2 का 1 करेंगे, वापस इसी पे लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे,
दो की कटिंग हुई, फिर वापस इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे। तो तीन फंदे की यहाँ पर हमने ये घटाई कर दी है। अब पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे और जो हमने बेस कलर लगाया हुआ था इस बेस कलर को यहाँ से हमने कट कर दिया है। यहाँ से आगे हम ये जैसे स्वेटर में बुना है ऐसे ही ऊपर के पार्ट को व्हाइट से बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बना लेंगे। तो जब हम यहाँ तक ये फंदे बढ़ाते गए, टोटल फंदे हमारे 61 हैं। ये 3 प्लाई वाली वूल है। अगर आप इसको नॉर्मल वूल में बनाएंगे, जैसे बेबी वूल होती है नॉर्मल 4 प्लाई वाली, जिसका ऐसे धागा होता है, इस तरह से धागा होता है, इस वूल में बनाएंगे तो आप यहाँ पर 37 फंदे डाल लीजिएगा। तो आपके यहाँ पर फिर 13-13 फंदे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपके 65 फंदे बन जाएंगे। ये मेरी 3 प्लाई वाली है, 3 तार वाली, तो मेरे यहाँ पर 61 फंदे हैं क्योंकि मैंने बॉर्डर में 35 फंदे डाले हैं। आप 4 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा सिर्फ, और बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। अगर आप थोड़ा सा बड़े बच्चे का इसमें बुनना चाहते हैं तो थोड़े से फंदे ज़्यादा डाल के और इसकी लेंथ को बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा साइज बन जाएगा। मैंने इसको 6 महीने से लेके और 1-1.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है और परफेक्ट साइज ये हमारा बन के आएगा। तो इस पूरी रो को हम बुन लेंगे। यहाँ से हमारी सीधी तरफ से घटाई होगी, ये पूरी बुनने के बाद यहाँ से हमारी उल्टी तरफ से होगी। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिए, अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से भी हम 3 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे देखिए यहाँ से हम लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। इसको नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, इस फंदे को नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये 3 फंदे की घटाई हो गई। अब पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया, अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए 3 फंदे की कटाई हमारी यहाँ से हो गई है और 3 की यहाँ से हो गई है। अब फिर से 3 की करेंगे, तो इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे। तो 2 फंदे की कटाई हुई, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। तो 3 फंदे की कटाई हुई, अब धागा पीछे करेंगे, फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे, लास्ट तक पूरी रो को बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। अब फिर देखिए आ जाइए रोंग साइड में उल्टी तरफ। यहाँ से फिर से 3 की घटाई करेंगे। 3 की घटाई हमने पहले की थी, 3 की अब फिर से करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 बनाएंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। अब पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से 3 फंदे की घटाई हुई, 3 की हुई, और यहाँ से भी 3-3 की घटाई हुई। तो 2 बार हमने 3-3 फंदों की घटाई कर ली है। अब हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। 2 बार 3-3 की है, 3 बार 2-2 फंदों की करते जाएंगे यहाँ से और यहाँ से भी। फिर 2 बार 1-1 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये घटाई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसको कैसे करेंगे। तो ये 2 फंदे की घटाई, 1, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2। तो 2 फंदे की घटाई हो गई, धागा पीछे करेंगे। अब फिर पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे, फिर वापस पूरी बना के यहाँ पे आएंगे, फिर 2 फंदे की घटाई करेंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर 2 की यहाँ पे, 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 फिर 1 की यहाँ पे, 1 की यहाँ पे, फिर 1 की यहाँ पे, 1 की यहाँ पे। इस तरह से घटाई करते हुए इसकी घटाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है, दोनों तरफ से बराबर बराबर घटाई हुई है। तो देखिए किस तरह से की है, पहले 3 फंदे की घटाई की, फिर अगली सिलाई में 3 की, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर 1 की। दोनों तरफ से इसी तरह से करते हुए टोटल हमने देखिए 3, 3, 6, 2, 8, 10, 12, 13, 14 14 फंदे की घटाई यहाँ से की है और 14 फंदे की घटाई यहाँ से की है। अब हमारे पास यहाँ पर देखे कितने फंदे बचे हैं, 2, 4,
आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस और तीन तैतीस। तो टोटल अब हमारे पास घटाई होने के बाद 33 यानी 33 फंदे हमारे पास अब बचे हैं। अब हमारी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इस सभी फंदों को ऐसे बाइंड ऑफ करेंगे, दो का एक करेंगे, वापस इसी पे लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके इस तरह से और दो का एक करेंगे, फिर इसी पे लेंगे और आगे से दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, दो का एक करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए इन सभी फंदों को हम यहाँ तक सभी फंदों को बंद कर देंगे। तो ये सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब देखिए इस धागे को यहाँ से कट करेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल के इस नोट को टाइट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारी बाजू बन के कम्प्लीट हुई। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इस तरह से बना है और शेप भी बहुत ही अच्छे से बन के आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ये पार्ट 4 था इस स्वेटर का। इसके अंदर मैंने आपको बाजू बनाना बताया है, कितने फंदे लें, कैसे फंदे बढ़ाएं, कैसे आर्म होल की कटिंग करें, इस बाजू की कटाई करें और कितने इसकी लेंथ रखें। तो पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। सभी पार्ट मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।